जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये अपने में दर्शाता है कि पार्टी का सही मायनों में उत्तराधिकारी कौन है। किसी भी एक वादे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरा करने का काम नहीं किया। ये IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ हेरी, आप सभी देख रहे हैं IVTV। आज चिराग पासवान की पटना वापसी हो चुकी है और आपको बता दें, चिराग पासवान जैसे ही पटना पहुंचे, उनका स्वागत उनके समर्थकों ने बड़े ही उत्साह तरीके से किया। चिराग पासवान एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले, उनके समर्थकों ने चिराग पासवान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सामने आए। आपको बता दें, इसी बीच चिराग पासवान ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वही हैं। और इसी के साथ नीतीश कुमार पर जमकर बरसते दिखे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप भी सुनिए। ये उत्साह खुद ही देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में, तो ये उत्साह है। पार्टी को जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम मिला है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये अपने में दर्शाता है कि पार्टी का सही मायनों में उत्तराधिकारी कौन है। और इस नए नाम के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम के साथ, ये पार्टी दोनों उपचुनाव में हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी, इस बात का विश्वास हम लोगों को। बस दशहरे के तुरंत बाद से हम लोगों ने अभी प्रभारियों की टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं और पूरी विधानसभा में किस किस पंचायत में किस किस प्रभारी को जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रभारियों की टीम तैयार हो रही है। और दशहरे के तुरंत बाद से मैं खुद अपने पूरे साथियों के साथ तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हम लोग कैंप करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा, उन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का हमेशा उन्होंने अपमान किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर जो उनके कोटे से जो मंत्री हैं, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि स्मारक की घोषणा की जाएगी हमारे नेता के नाम पर, सड़क की घोषणा की जाएगी, प्रतिमा लगाने की घोषणा की जाएगी, राजकीय अवकाश की घोषणा की जाएगी, पर उसमें से किसी भी एक वादे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरा करने का काम नहीं किया। ये पुनः दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके जीते जी तो उन्होंने हमारे नेता का अपमान किया ही, पर मरणोपरांत भी वो जिस तरीके से हमारे नेता का अपमान करने से बाहर नहीं आ रहे हैं, ये उनके छवि में ये देखने को मिलता है। आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी पुनः इस बात की मांग करती है कि या तो आप हमारी मांगों को पूरा करें, जो हमारे नेता का हक है, अधिकार है, वो उनको आप दें,